ये जो डॉक्टर के बाजू में जो मेडिकल होते हैं, ये जैसे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये डिस्काउंट वगैरह देते नहीं है तो? हाँ, क्या नहीं देते क्योंकि मैम अभी आपके दुकान के आसपास भी कई दो तीन दुकानें हैं? दो तीन नहीं, 22 दुकानें। आपके दुकान में बहुत भीड़ है आसपास के दुकान के मुकाबले, क्या कारण है मैम इतना चलता है? अगर आप कुकर की रिंग मांगोगे तो कुकर की रिंग नहीं मिलेगी, गाड़ी मांगोगे तो गाड़ी भी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जिसका नाम है खेड़ शिवापुर। और दोस्तों यहाँ के हम एक पॉपुलर मेडिकल के दुकान में आए हैं जिसका नाम है कुणाल मेडिकल। और इस दुकान के ओनर योगिता मैम जो पिछले कई सालों से मेडिकल की दुकान चला रहे हैं। तो दोस्तों आज हम मैम से मेडिकल के शॉप के बिज़नेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे ये बिज़नेस करना चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये काम कर सकते हैं, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैम हमारी जो देश की जो महिलाएँ हैं ये मेडिकल का दुकान चलाना चाहती है तो हम थोड़ी जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। हाँ बोलिए, क्या जानकारी चाहिए आपको? मैम लगभग कितने दिनों से आप ये दुकान चला रहे हैं? 22 साल से। अच्छा, और मतलब लाइसेंस वगैरह जो है इसका? हाँ। तो वो कौन सा लगता है मैम इसके लिए? डी फार्मेसी। अच्छा, तो ये लाइसेंस किसके नाम पे? मतलब मेरे नाम पे। अच्छा, मतलब आप ही का कोर्स हुआ था इसका? हाँ। मैम हमारे देश की क्या अकेली महिला ये बिज़नेस चला सकती है? चला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब किसी जेंट्स की वगैरह ज़रूरत पड़ती है उसको? नहीं, मुझे तो नहीं पड़ी शुरू में नहीं पड़ी। हाँ, अभी अभी ज़्यादा बड़ा है इसलिए पढ़ रही। मैम अभी जब मेडिकल का नाम आता है तो डॉक्टर दिमाग में आता है तो क्या मैम ये डॉक्टर होना ज़रूरी है? अगर नहीं, डॉक्टर की तो कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अगर हमें चलाना है तो हम कुछ भी चला सकते हैं, मेडिकल में कुछ भी वर्कर चला सकते हैं, बिना डॉक्टर के भी चला सकते हैं। और मैम इसका ये जो डॉक्टर के बाजू में जो मेडिकल होते हैं ये जैसे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है ये डिस्काउंट वगैरह देते नहीं है तो? हाँ, नहीं देते क्योंकि डॉक्टर की डिमांड बहुत होती है ना, डॉक्टर को भी देना पड़ता है उनको। अच्छा, डॉक्टर को भी देना पड़ता है। हाँ, हम डिस्काउंट वगैरह सब देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर भी आपके एक्सपीरियंस में हम कितना देते डॉक्टर लोग, कितना लेते? 10% डॉक्टर को देते होंगे, 60-40 तो होता है। अच्छा, 60-40 होता है। 0.5% डॉक्टर ये होता है, पार्टनर होता है उसमें। मैम अगर फिर जैसा आपने कहा कि बिना डॉक्टर का काम कर सकते हैं तो मैम किस जगह पे दुकान शुरू करना चाहिए, जैसे अगर कोई नया शुरुआत करना चाहते हैं? उसको स्पॉट अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, बाजार वगैरह ऐसा कुछ उसमें आना चाहिए, भीड़ बहुत रहनी चाहिए, रोड पे आना चाहिए। अच्छा, मेन रोड पे आना पड़े तो ऐसे कंडीशन में अगर डॉक्टर भी नहीं रहेगा तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर डॉक्टर पास में नहीं है मैम तो फिर क्या क्या दवाई रखनी चाहिए दुकान में? सब अपनी काउंटर पे जो चलती है ना वो दवाई है। अच्छा, फिर भी मैम आपने दुकान शुरू करने के पहले कितने दिन एक्सपीरियंस लिया था? पहले 4-5 साल लिया था। अच्छा, 4-5 साल लिया था। क्या सीखना पड़ता है मैम इसमें, मेन क्या सीखना पड़ता है? काउंटर कैसे करना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो तो पहले सीखना पड़ेगा ना। खाली दवाई देना जरूरी नहीं, कस्टमर की फेस रीडिंग जरूरी है। अच्छा, उसको क्या चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, उसको कैसे देना चाहिए, कितने डिस्काउंट देना चाहिए, अगर वो डिस्काउंट मांगता है तो देना चाहिए। फिर भी मैम कितना डिस्काउंट दे सकता है? 10% तक। ठीक है, 10% तक दे सकते हैं। अभी कोई बोला 15 चाहिए तो 15 भी दे देते हैं। अच्छा, 15 भी दे सकते हैं तो ब्रांडेड में 15 देना भी परवड़ सकता है दुकानदार को? परवड़ सकता है। बराबर, दुकान शुरू करने के लिए कम से कम कितना बड़ा दुकान, जगह कितनी होनी चाहिए? 130 स्क्वायर फुट। अच्छा, अगर होलसेल और रिटेल साथ में करना है तो 170 स्क्वायर फुट। अच्छा, होलसेल और रिटेल दोनों करना है तो 170, और अगर सिर्फ रिटेल करना है तो 130। मतलब ये रूल है, मतलब ऐसा कानून है। और मैम ऐसा जैसे अगर कोई किराए की दुकान लेके अगर शुरुआत करना चाहता है तो अगर अच्छा लोकेशन मिलता है तो कितना किराया पड़ सकता है इसमें? किराया 10-20,000 तक, 20,000 तक किराया रहेगा तो चल सकता है। मैम अभी देखते हैं इसमें जैसे मेडिकल का डी फार्मेसी का कोर्स लगता है पर अगर किसी कोई महिला ये शुरू करना चाहती है पर उसका कोर्स नहीं है तो उसको दो फार्मासिस्ट लेने पड़ेंगे। अच्छा, दो फार्मासिस्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते तो मतलब एक दुकान के लिए दो लाइसेंस की जरूरत, दो लाइसेंस की जरूरत होती है। मैम फिर भी अभी सैलरी कितनी चल रही है जैसे मतलब अगर फार्मासिस्ट रखते हैं? 15-20,000। अच्छा,
तो दो फार्मेसी रखेंगे तो वो खर्चा 30,000 रुपये खर्चा पड़ जाएगा। मैम थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, अगर कोई मेडिकल शॉप शुरू करना चाहता है तो इसमें जैसे फर्नीचर है या फिर मटेरियल दवाइयाँ वगैरह कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है मैम? 10 लाख। 10 लाख तक फर्नीचर का खर्चा कितना आता है मैम? 2-3 लाख। 2-3 लाख तक। और 7 लाख में हो सकता है मेडिसिन वगैरह? 7 लाख। हाँ, कॉस्मेटिक वगैरह भी आ सकता है उसमें? आ सकता है। तो 7 लाख में लगभग स्टॉक हो जाएगा पूरा। मैम अभी आपके दुकान के आसपास भी कई 2-3 दुकानें हैं, तो ऐसे कंपटीशन में मैम कैसे काम करना चाहिए? 22 दुकानें तो ऐसे कंपटीशन में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कस्टमर्स को ठीक से हैंडल करना, डिस्काउंट वगैरह देना, अच्छा प्यार से बोलना। तो मैम अभी जैसे अपना मेडिकल अच्छा चलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे प्यार से बात करनी चाहिए पहले तो, अच्छा फिर डिस्काउंट वगैरह भी देना चाहिए, अच्छा उसकी कितनी हेल्प भी करनी चाहिए, जो सस्ती दवाई वो देनी चाहिए उसको, अच्छा जेनरिक है तो जेनरिक देनी चाहिए, अच्छा। फिर वो सस्ता दिया तो आता है। अच्छा जेनरिक में और इसमें मतलब रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है? नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 10 रुपए की गोली 5 रुपए में बेच सकते हैं ना जेनरिक में। तो अभी जैसा अगर कोई नई महिला ये दुकान शुरू करना चाहती है तो थोड़ा बहुत क्या जेनरिक पे भी फोकस करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। फिर भी जेनरिक का माल अगर दुकान में थोड़ा बहुत जेनरिक भरना है और ये भरना है तो जेनरिक की इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? जेनरिक में ज़्यादा नहीं लगती, 1 लाख तक ठीक है। 1 लाख में लगभग जेनरिक सब आ जाएगा। मैडम ये जो दवाइयाँ वगैरह आती है इसमें उधारी वगैरह मिलती है दुकानदार को? नहीं सब कैश में। अभी आपका इतना 22 साल का दुकान है फिर भी आप कैश नहीं में लेते? कैश में मिलता है। कैश में लेने से क्या साइड देता ही नहीं कोई? साइड देता है नहीं तो कैश में लेने से फायदा भी होता है। अच्छा 5% तक डिस्काउंट मिल जाता है। 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अच्छा तो ऐसा अगर टोटल डिस्काउंट प्रॉफिट देखा जाए दुकानदार को कितना मिलता है प्रॉफिट? वैसे तो 20% मार्जिन है। अच्छा लेकिन हम डिस्काउंट लेते तो 25 तक हो जाता है। 25 तक हो जाता है मतलब ये स्टैंडर्ड दवाइयों में? तो यहाँ पे हम अगर भले ही 10% डिस्काउंट देते हैं तो भी 15% देते तो भी 10% रह जाता है। और ये स्कीम्स वगैरह स्कीम्स वगैरह ले तो और ज़्यादा परवड़ता है। और परवड़ता है तो 30% तक जाते हैं लगभग। 30% तक जाता है। मैडम आजकल लोग ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदते हैं तो क्या उसकी वजह से बिजनेस पे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ता है, ऑनलाइन सस्ता मिलता है ना। तो क्या उनकी दवाइयों की क्वालिटी में फर्क आता है? नहीं वो दवाई तो सेम होती है। सेम ही होती है मतलब जेनरिक ही रहती है। लेकिन जेनरिक रहती है और ब्रांडेड दवाइयाँ वगैरह? ब्रांडेड दवाई नहीं देते ऑनलाइन वाले ब्रांडेड नहीं देते, ज़्यादातर जेनरिक ही बेचते हैं। जेनरिक ही बेचते हैं और उस पर 30% वगैरह डिस्काउंट देते हैं। तो आप कस्टमर को जैसे कस्टमर आता है और ऑनलाइन जैसा ये बोलता है तो आप क्या कैसे? नहीं मुझे तो कोई नहीं बोलता ऑनलाइन, क्योंकि क्योंकि मेरे कस्टमर सब अच्छे हैं। अगर वो बोलते तो मैं बोलती हूँ 10% मैं भी देती हूँ। 10% आप भी देते हैं। मैम इसमें एक्सपायरी दवाइयों का कैसा रहता है? एक्सपायर दवाई होती है उसका कैसे काम करना पड़ता है? कोई अभी तो लेता नहीं वापस, अच्छा फेंक ही देना पड़ता है, लेकिन नियर एक्सपायरी तो हम निकाल देते हैं जल्दी से। अच्छा मतलब एक्सपायरी के पास आ गया रहेगा तो निकाल देते? मतलब निकाल देते मतलब भेज देते, 2-3 महीने पहले भेज देते। 2-3 महीने पहले भेज देते। तो ये कंपनी वाले लेते नहीं वापस? नहीं लेते। पहले लेते थे मतलब? पहले लेते थे, अभी भी लेते लेकिन लेस नहीं करते, पैसे नहीं देते। पैसे लेस नहीं करते क्यों? मतलब क्या हो गया ऐसा? मालूम नहीं क्या हो गया, फोन करो कुछ करो लेकिन करते नहीं। ब्रांडेड कंपनी भी लेती नहीं? ब्रांडेड कंपनी नहीं, जेनरिक तो होता ही नहीं, रिटर्न जेनरिक नहीं होते। डिस्काउंट बढ़ा दिया है ना उन्होंने, अच्छा तो एक्सपायरी नो लेस एक्सपायरी करके आते हैं। और मैम इसमें जैसे जितना मुझे पता है ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह रहते हैं तो ये कितने दिन में आते हैं? मतलब वैसे हर साल आ जाते हैं, साल में एक बार। तो उनको क्या चाय पानी करना पड़ता है? हाँ तो वो उनका काम क्या रहता है मेन इसमें? कुछ नहीं, देखते हैं कैसे चल रहा है, क्या बिल वगैरह बन रहे हैं, क्या सब ठीक से चल रहा है क्या। अच्छा बाकी कुछ नहीं। मैम अगर किसी दुकान का जैसे 20,000 रुपये रेंट है महीने का तो खर्चा निकलने के लिए कितना सेल होना चाहिए? 10-15,000। अच्छा अगर 15,000 होता है तो रेंट निकल जाता है।
और कितना बचेगा मैडम? उसने कम से कम उसको 30-40 हज़ार बच जाएगा। अच्छा, भाड़ा वगैरह जाके? भाड़ा वगैरह जाके इतना बिजनेस हो जाता है? हो जाता है। दवाइयाँ महंगी महंगी हो गई है ना अभी। अच्छा, दवाई महंगी होने से हो जाता है? हो जाता है, पहले नहीं होता था। अच्छा, लेकिन अभी दवाई महंगी हो गई। अच्छा, और इसमें मैम कोई सीजन वगैरह रहते हैं? सीजन तो रहता है, अक्टूबर हिट में ज़्यादा कस्टमर रहते हैं। अभी चल रहा है, अब देख ही रहे शॉप में भीड़। अच्छा, और अभी ठंड पड़ जाएगी ना दिसंबर जनवरी। अच्छा, तो सबसे कम कस्टमर रहेंगे जनवरी फरवरी। और मैम मैंने देखा आपके दुकान में बहुत भीड़ है आसपास के दुकान के मुकाबले, क्या कारण है मैम इतना चलता है? मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, और मेरी शॉप में हर कोई चीज मिल जाती है। अच्छा, क्या क्या रखा है? ए टू जेड तक मुंगेर की पाउडर, अगर आप माती भी बोलोगे तो माती भी मिलेगी, मिट्टी भी है मिट्टी भी मिलेगी, मुल्तानी माटी। अच्छा, नहीं नहीं खाने की माटी मुल्तानी मिट्टी अलग। अगर आप कुकर की रिंग मांगोगे तो कुकर की रिंग भी मिलेगी, गाड़ी मांगोगे तो गाड़ी भी मिलेगी। तो आपने दुकान में बहुत सारा स्टॉक भरा है, स्टॉक भर, थोड़ा महिलाओं को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि अगर कोई दुकान शुरू करता है और दुकान अच्छा चलता है तो मैम इसमें कितना पैसा मिल सकता है? एक महीने 50,000 तक मिल सकता है। 50,000-60,000 रुपये मिल सकते हैं? आराम से मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। और कोई कौन सी भी नौकरी से अच्छा है वो? नौकरी से अच्छा है, नौकरी में खाली फार्मासिस्ट को 10,000 और 15,000 तक ही मिल जाएगी। नौकरी में 10-15,000 पगार में? मैम जो महिलाएं हैं जो दुकान शुरू करना चाहती हैं, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले मेहनत करना जरूरी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो होनी ही चाहिए। अच्छा, वैसे भी गवर्नमेंट का लोन मिलता है अभी महिलाओं को। लोन मिलता है? लोन मिलता है। कितना तक मिलता है मैम? 10 लाख तक मिलता है। 10 लाख तक मिलता है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो और एक्सपीरियंस चाहिए 4-5 साल का। 4-5 साल का खुद फार्मासिस्ट चाहिए? खुद फार्मासिस्ट ऐसा करेंगे तो ये बिजनेस चल सकता है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना डिटेल में बताया। दोस्तों, मैम ने आपको इतना डिटेल में समझाया, प्रॉफिट्स वगैरह बताए जो कोई बताता नहीं है, इसके लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू बनता है मैम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।